केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत वाली खबर आई है। पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से पूरा महंगाई भत्ता और पिछले 3 बार का बकाया महंगाई भत्ता भी मिल सकता है। कोविड-19 महामारी के कम होने और वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी आने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाने की सोच रही है। दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब के बाद ऐसी उम्मीद जगी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर 1 जुलाई 2021 तक रोक लगी है। जब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक हटेगी तब उन्हें एक साथ मोटा फायदा मिलेगा। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, इसके बाद दूसरी छमाई में 3% का इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा है, इससे ये 17% से बढ़कर अब 28% पर पहुंच गया है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की 3 किस्त का बकाया जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा। कोविड संकट की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 किस्तें रोक दी थी। अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि सरकार ने डीए का भुगतान न करके 37,430 करोड़ रुपए की बचत की। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया गया। आपको बता दें कि जून 2021 तक डीए में और 3 से 4% का उछाल आ सकता है। इससे जून 2021 में रोक हटने के बाद डीए बढ़कर 30 से 32% पर पहुंच सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग अलग डीए मिल रहा है। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपए है तो 15% डीए पेमेंट में उछाल के बाद ये 2,700 रुपए प्रति महीना बनता है। इस आधार पर कर्मचारी के डीए में सालाना 32,400 रुपए का इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने बीते साल जब डीए बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था तब आदेश में साफ था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं मिलेगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होगा उसे एक एक कर लागू किया जाएगा। हालांकि अब कर्मचारी यूनियन इस एरियर को पाने के लिए भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार का आदेश आने के बाद राज्यों ने भी अपने यहाँ कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया है। इससे पहले भी आपात स्थिति में महंगाई भत्ता रोका गया है। 1975 में इमरजेंसी के समय महंगाई भत्ते पर रोक लगी थी, लेकिन बाद में उसे रिवाइज करके जारी कर दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 17% तक महंगाई भत्ता मिलता है। ये जुलाई 2019 से ही तय है और जनवरी 2020 में इसमें संशोधन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें संशोधन नहीं हो पाया। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए 4% बढ़ाकर 21% करने पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब डीए में बढ़ोतरी पर लगी ये रोक हटने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत तो जरूर मिल जाएगी।